नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बिहार रोजगार मेला 2024, जिसमें आपको 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बिहार के 14 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। दोस्तों ये तो रोजगार मेला हर साल लगता है, जो कि अब इस बार किस डेट में लगेगा, कहाँ लगेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिफिनेशन में। तो आप लोगों को दोस्तों इस प्रकार का जो हमेशा न्यूज चाहिए, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी आता है दोस्तों बिहार रोजगार मेला में, इसमें क्या होता है कि जो भी युवक युवती जो कि बिहार के रहने वाले हैं, 10वीं 12वीं पास बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उनके लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार के कुल 14 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाने वाला, जिसको लेकर इसका पूरा जो आर्टिकल है वो तैयार किए हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका जो डेट आता है अप्लाई का, वो सब क्या प्रोसेस है वो सब मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए दोस्तों, 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बिहार के 14 जिलों में लगेगा रोजगार मेला, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ताजा मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बताए, बिहार राज्य में लगातार बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लक्ष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा नियोजन सह मार्गदर्शन मेला रोजगार मेला के आयोजन का ऐलान किया है, जो कि एक दिवसीय होगा, मतलब एक दिन का होगा, और इसका योजना बिहार के कुछ 14 अलग अलग जिलों में किया जाएगा, ठीक है, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। दोस्तों इसमें 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की तरफ नीतीश सरकार का बड़ा कदम। यहाँ पर आपको बता दें, नीतीश कुमार से बिहार के नीतीश सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। पूरा करने में बिहार रोजगार मेला अपनी मूल्य भूमिका निभाएगी, क्योंकि इस प्रकार बिहार रोजगार मेला से ज्यादा रोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनका सतत विकास सुनिश्चित होगा। बिहार रोजगार मेला में जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए बिहार रोजगार के लिए 10वीं और 12वीं ITI डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। मतलब किसी का 10वीं पास है 10वीं जाएगा, कोई 12th पास है तो 12th पास जाएगा, इसके बाद कोई ITI किया वो भी जाएगा, कोई डिप्लोमा किया वो भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो न्यूनतम या कम से कम आयु है जो मतलब रहना चाहिए, वो आपको 18 साल होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जाते हैं तो उनका एज 18 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि आवेदक युवक युवती उस जिले के मूल निवासी हो जिस जिला से वो रोजगार मेले में आते हैं, हिस्सा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप है बिहार में मुजफ्फरपुर के जा रहे हैं पटना में, तो इस प्रकार नहीं, उसी जिला होगा, उसी जिला में आपको जाना मेला, उसी मेले में जाना, ठीक है। इसके बाद बिहार जो मेला चलेगा जब से होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आवेदक युवक या युवती का आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक खाता पासबुक लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले सभी प्रमाण पत्र लगेगा, बायोडाटा को लगेगा, चालू मोबाइल नंबर लगेगा, मेल आईडी लगेगा, और कम से कम 8 फोटो पासपोर्ट साइज लगेगा। मतलब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको इतना सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी वो रोजगार मेला में जाएंगे, ठीक है। तो रोजगार मेला को मैं डेट भी बता रहा हूँ दोस्तों आगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें दिया कि जिले का नाम, बिहार रोजगार मेले की तिथि, ठीक है, कैमूर में ये दोस्तों 24 जून को था, डायमेम में 26 जून को, बक्सर में 27, भोजपुर में 28, औरंगाबाद में 29, गया में 1 जुलाई, नवादा में 3 जुलाई, नालंदा में 4 जुलाई, शेखपुरा में 5 जुलाई, खगड़िया में 6 जुलाई, बेगूसराय में 8 जुलाई, समस्तीपुर में 10 जुलाई, दरभंगा में 11 जुलाई और मधुबनी में 12 जुलाई। तो अभी भी डेट बहुत बचा हुआ है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट करना चाहते हैं, इस मेला में जाना चाहते हैं, इसका आनंद लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस प्रकार का जॉब होगा, अगर आपको समझ में आएगा आप जॉब के लिए ऑफर जो मिलेगा आपको वो आप कर भी सकते हैं। बस आपको जाना है अपना डॉक्यूमेंट सब लेके, और वहां पर जो मेला लगा हुआ रोजगार मेला, वहां जो बैठे रहते हैं उनसे जाके मिलना होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया कि अंत में आपको बता देना चाहते हैं कि सभी युवा जो कि बिहार रोजगार मेला में हिस्सा लेना चाहते हैं वो है, उन्हें NPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उन्हें रोजगार मेले में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो NPS पोर्टल पे भी आपको इसका करना होगा। उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की है, ताकि आप आसानी से पूरी सारांश कर सके। इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से न केवल बिहार रोजगार मेला के बारे में बताया, बल्कि विस्तार से बताया कि आपको अलग अलग जिलों में लगने वाले रोजगार मेला की तिथियों के बारे में बताया, कि आप आसानी से अपने जिले में लगने वाले रोजगार मेले में हिस्सा ले सके, ठीक है।
अंत में आपको यह जो पसंद आएगा तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी लोग को मैं ये बताऊं अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज दोस्तों ये इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ चलो ये जो समझाए बताए इससे जो कम से कम आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था जॉब फेयर के 100 शब्दों में से क्या कहते हैं। ठीक है, रोजगार मेले में कैसे भाग लेते हैं, यहाँ पे रोजगार मेले में भाग लेने के अभ्यर्थी को सबसे पहले रोजगार संगम पोर्टल पर आपको ऑनलाइन पंजीन करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सबसे पहले rozgarsangam.up.government को अपने ब्राउजर खोले, साइन इन करें, मैनुअल जो भी जो मतलब इसमें ऑप्शन मांगा जाता है भरे, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आपको इस प्रकार का वीडियो पता करना था कि रोजगार मेला कब आना है कुछ भी, तो आपको अभी जानकारी मैंने दे दी है आप कैसे करेंगे आगे का स्टेप जो अप्लाई है वो आप इस पोर्टल जाकर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट है वो एक बार ट्राई करें जाके देखो। थैंक यू दोस्तों।